हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाएंगे शिमला बेसन की बहुत ही टेस्टी और चटपटी सब्जी, जिसे आप टिफिन में, लंच बॉक्स में रख सकते हैं। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है, साथ ही साथ बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है। और सबसे बढ़िया बात ये है इस सब्जी में कि ये बहुत ही कम समय में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे आप कभी कभी, जैसे टमाटर नहीं है तो बिना टमाटर की भी आप बना सकते हैं, तो इसे आप दो तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। ये अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें 1/2 चम्मच जीरा डाला है और इसके बाद मैंने 1 पिंच के लगभग हींग डाली है। तो हींग से इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। बस इसमें हम जीरा और हींग का ही तड़का लगाएंगे। इसके बाद हमने 2 हरी मिर्ची ली है कट करके और 5 से 6 लहसुन की कलियां ली थी जिन्हें मैंने कट कर लिया है। तो हम डालेंगे, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पर इसे बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बना सकते हैं। तो लहसुन और हरी मिर्ची डाल देंगे, ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो इसमें हम प्याज जो कट करके ली थी एक हमने बारीक कट करके वो ऐड करेंगे और इसे हम चलाते रहेंगे और ये बहुत ही टेस्टी लगती है और आप एक बार बनाएंगे तो आपको भी बहुत ही पसंद आएगी। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, ये हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो गई है उससे पहले ही हम इसमें लगभग, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है तो वो हम डाल देंगे। तो जिस मात्रा में आप शिमला मिर्ची बना रहे हैं उसी हिसाब से आप बेसन की मात्रा लें। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच बेसन लिया है तो इसे हम लगभग 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम गैस पर इसी तरह से पका लेंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो रहा है और इसे हम चलाते रहेंगे और इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है और इसका हल्का सा कलर चेंज भी हो गया है। तो अब हम यहाँ पर जो हमने 2 शिमला मिर्च ली थी कट करके वो हम ऐड करेंगे और इसे भी हम चलाते रहेंगे लगभग 1 मिनट। इससे क्या होगा कि ये बेसन और शिमला मिर्च अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और अच्छी सी इसमें एक कोटिंग हो जाएगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम यहाँ पर लगभग 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं और नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हमने इसमें कोई भी मसाले ऐड नहीं किए हैं तो वो हम लास्ट में ऐड करेंगे। इसे हम ढक देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए और इसे हम चलाते रहेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है, मिर्ची आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/2 चम्मच हमने गरम मसाला ऐड किया है और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम हमने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड किया है। अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। और यदि आप टमाटर नहीं डालना चाहते तो इसमें 1/2 चम्मच आप यहाँ पर अमचूर पाउडर ऐड कर दें। तो थोड़ा सा आप इसे इसी तरह से चला लें, इसके बाद 1/2 चम्मच आप अमचूर पाउडर ऐड कर दें और इसे पका लें। तो आपकी सब्जी बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी लगती है। और यहाँ पर हम टमाटर डाल रहे हैं तो मैंने 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे कट करके, तो वो ऐड कर देंगे। तो दोनों ही तरह से आप बना सकते हैं। तो ये टमाटर डालकर भी बहुत ही टेस्टी लगती है और अमचूर पाउडर के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये चटपटी सब्जी बहुत ही जल्द बन जाती है और इसे आप टिफ़िन में बनाकर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी सब्जी बनके तैयार है और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है कट करके तो वो भी डाल देंगे और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप लंच बॉक्स के लिए इस तरह से सब्जी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और चटपटी ये बनती है और इसे बनाने में समय भी बहुत ही कम लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम परफेक्ट आया है और ये बहुत ही टेस्टी खाने में है और ये सभी को बहुत ही पसंद आती है। तो एक बार आप इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें और यदि रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें
और यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।